हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेंचुरी प्लाईवुड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है यहाँ पे सेंचुरी प्लाईवुड का आ चुका है। क्वार्टर थ्री के नतीजे यहाँ पे जो नंबर हैं वो यहाँ पे कैसे रहे वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे लैक्स में दी गई है, तो हमको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे आप टोटल इनकम देखो तो 943 करोड़ के यहाँ आसपास यहाँ पे इस क्वार्टर टोटल इनकम हुई है। और लास्ट क्वार्टर जो यहाँ पे इनकम हुई थी वो 966 करोड़ के आसपास हुई थी, और लास्ट ईयर अगर आप देखो तो यहाँ पे 883 करोड़ के आसपास हुई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इनकम में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, बट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे क्वार्टर मतलब रिजल्ट में टोटल इनकम में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस बार जो खर्चे हुए हैं 856 करोड़ हुए हैं, लास्ट क्वार्टर में 875 करोड़ हुए थे और लास्ट ईयर यहाँ पे 774 करोड़ हुए थे। तो खर्चे भी यहाँ पे कम हुए हैं, बट लास्ट ईयर के कंपेरिजन खर्चे ज़्यादा हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इनकम लास्ट ईयर के कंपेरिजन यहाँ पे ज़्यादा आई है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 64 करोड़ का इस क्वार्टर ओनली हुआ है, लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 90 करोड़ के आसपास हुआ था और लास्ट ईयर यहाँ पे 81 करोड़ के आसपास हुआ था। तो जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें भी यहाँ पे आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे डिक्लाइन है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम यहाँ पे इनकी बढ़ी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और 20K का जो हमारा टारगेट है अगले क्वार्टर तक, उसमें थोड़ा सा आप अपना टाइम 5 सेकंड देके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।